धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रख। आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियाँ मेरी मन पसंद। आज तो डट कर नाश्ता होगा। गजब हो गया, यह तो भुकन्नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। अभी आता हूँ निन्नी, जरा रुको। आ जाओ निन्नी, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में? रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। हम निनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ निनी। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहां, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे को तलाशी लेगी। कोको, दरवाजा खोलो, ना इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहाँ छिपाऊं? ठीक, इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली, एक भी नहीं बची। सॉरी मम्मी, मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं चार पापड़ लाई हूँ, दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा
हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। मैं मन में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए भी छोड़ जाए। क्या इनको निगलने के लिए चाय है? हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तुम तो चाय पियोगे नहीं। मैं मन में बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मम्मी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। यह कैसी आवाज है? आवाज कैसी? आवाज हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज यह फिर हुई, सुना तुमने? यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजा कोई खटखटा रहा है। कौन? मैं हूँ टिंचू। तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। आहा, मिम्मी भी यहाँ है। आओ टिंचू बैठो। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हेलो टिंचू, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। ओहा, केले के पापड़। मैं कोको के लिए भी आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। यह लो चाय के साथ खाओ। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। यह लो टिंचू, एक और खाओ। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को वो खा लेगा। तुम जो ढालती हो तो ले लेता हूँ। मैं मन में बोल रहा हूँ, ठीक है, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यह आवाज कैसी है? यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है वही यह आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अच्छा, यह फूल कैसे हैं? ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूलदान उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है?
ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। मैं मन में बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर से दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कौन? चाचा, आपने नाश्ता कर लिया? अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सब के पेट तो भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज कैसी है? यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। मुझे लगा किसी का पेट भूख से गुला रहा है। कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। क्यों, फूलदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा, अब मैं मन में बोल रहा हूँ, ठीक है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। वाह वाह वाह।